नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी नाइन। यह है टीवी नाइन नेटवर्क की मल्टीलिंगुअल पर्सनल फाइनेंस वेबसाइट। मैं हूं प्रियंका संभव। शी वॉज बॉर्न अ गर्ल विद अ ब्रोकन नेक, बट नाउ वी नो हर एज अ वुमन विद द मोस्ट अनब्रोकन स्पिरिट। यस शी कैन। में मेरे साथ हैं बुलंद हौसलों वाली और एक बहुत ही अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर वाली राधिका गुप्ता, एडलवाइज एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड की MD और CEO। हाय राधिका, आपकी जो ट्रेड मुझे सबसे ज्यादा आपकी तरफ खींचती है ना, वो आप जिस ईज से, जिस ह्यूमर के साथ अपनी बात रखती हैं। सो आई रियली लव दैट थिंग अबाउट यू एंड वेलकम टू मनी नाइन। थैंक यू प्रियंका, आपसे बात करके हमेशा अच्छा लगता है। चलो, आपने मुझे ह्यूमरस पर्सन कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। बचपन में मैं बहुत सीरियस टाइप की थी, तो आई कुड नेवर ग्रो अप एंड बिलीव कि कोई मुझे कहेगा कि मैं ह्यूमरस हूँ। नो, बट आई रियली लाइक योर लाइन्स। आपके जो टॉक है वो जिसको सबसे ज्यादा यूट्यूब पे व्यूज मिल रहे हैं, मुझे लगता है उसमें आपने जिस ईज से अपनी कहानी बताई है, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। एंड यू हैव नॉट लॉस्ट दैट, यू नो, दैट ह्यूमर इन यू, विच इज ग्रेट। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, यू नो, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वुमेन्स डे और आपसे मैं बात कर रही हूँ, मुझे लगता है आप वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गर वुमेन है जो मैं, जिनको अपने आसपास मैं देख रही हूँ। तो आपको क्या लगता है, जो हम वुमेन को हमेशा वो वीकर सेक्स कहते हैं, उसे बदलने का वक्त आ गया, या फिर अभी कुछ ही औरतें हैं जो वो वीकर सेक्स के उस दायरे को तोड़ पाई हैं, बहुत कुछ किए जाने की अभी भी जरूरत महसूस करती हैं आप राधिका? एक्चुअली आई डोंट अंडरस्टैंड, ये वीकर सेक्स शायद एक वेस्टर्न फिनोमेना है, लेकिन जो हिंदुस्तानी नारी है वो हमेशा बहुत स्ट्रांग रही है। आई थिंक द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन कल्चरली हैज स्टार्टेड फ्रॉम दुर्गा इन इंडिया। एंड अगर आप माओ को देखें और नानियों को देखें, उनसे हमने इतना कुछ सीखा है, उन्होंने पूरा घर संभाला है। सो वुमेन आर नॉट वीकर, आई थिंक ये बस एक वो बात बस बोलने का अब तरीका रह गया है, बट आई थिंक हर फील्ड में यस शी कैन का जो नारा है वो औरतों के लिए बिल्कुल जो है फिट बैठता है। राधिका, ये बताइए मुझे, इस बार की थीम है इंटरनेशनल वुमेन्स डे की चूज टू चैलेंज, तो आपको क्या लगता है औरतों को कौन से चैलेंज को चूज करना चाहिए अपने लिए? आई थिंक, मैं हमेशा कहती हूँ दैट वुमेन नीड टू बी एम्बिशियस। शायद हमें इतना सिखाया नहीं जाता कि अपने एस्पिरेशंस बड़े रखो, थोड़ा बड़ा सोचो। सो आई थिंक चाहे जो भी डोमेन हो जिसमें व्हाटएवर मैटर्स टू यू, चूज टू बी द बेस्ट इन इट, चूज टू बी बिग इन इट। आई कांट टेल यू व्हाट इज द राइट आंसर फॉर यू, लेकिन जो आपको मायने रखता है उसमें आप घबराओ मत। डू द बेस्ट, थिंक बिग, थिंक बिग, डोंट लेट यू स्टॉप योर सेल्फ, यू नो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे लगता है हम अपने आप ही दायरे बना लेते हैं। लेकिन पैसों की बात अब मैं आपसे करना चाहती हूँ, एंड मुझे ये बताइए, हाउ डू यू सी वुमेन एज मनी मैनेजर्स? आपने बात की कि घर में भी जो महिलाएं वो पैसे को कितना अच्छे तरह से मैनेज करती हैं, लेकिन जब बात आती है फाइनेंशियल प्लानिंग की, जब बात आती है कि आप जब कमा रही हो तो उस पैसे को मैनेज कीजिए, तो आप किस तरह से देखती हैं औरतों को? क्या वो बेहतर मैनेजमेंट कर रही हैं या वहां पर अभी भी वो डिपेंडेंट रहती हैं अपने स्पाउस पार्टनर में? तो मैनेज करने की सारी अबिलिटी है, जैसे कि मैंने कहा, इतिहास दिखाता है कि घर मैनेज किया है और पैसे अच्छे से मैनेज किए हैं और जितना सेव करा है वो डिमोनेटाइजेशन में बाहर भी आ गया है, तो वो तो सब दिखाता है। लेकिन क्या होता है, एक्चुअली मैनेजमेंट नहीं होती। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एबिलिटी। आई बिलीव कि अगर आप घर अच्छे से चला सकती हैं, अगर आप ऑफिस अच्छे से चला सकती हैं, तो पैसा मैनेज करना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। और आजकल इतने रिसोर्सेज हो गए हैं, इतने एडवाइजर्स हो गए हैं, ऐसे ऐसे शोज प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं जिससे आपको जानकारी इतनी मिलती है। और मनी मैनेजमेंट कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम भी नहीं है। ये भी एक बड़ी मिथ है कि आपको एक स्टॉक ट्रेडर बनने की जरूरत है, आप पूरे दिन चैनल्स देखोगे और ब्लूमबर्ग देखोगे। ऐसा कुछ नहीं है, मनी मैनेजमेंट एक बहुत साधारण काम है। आई थिंक वी डोंट टेक इनफ इंटरेस्ट, वी थिंक यार ये काम आउटसोर्स कर देता है ना, हम ये काम कर लेते हैं, चलो ये आउटसोर्स कर देते हैं, पति को आउटसोर्स कर देते हैं, फादर को कर देते हैं, भाई को कर देते हैं। और मैं बस ये कहूंगी कि ये काम नहीं थे, ऐसा जिंदगी का काम है जो आउटसोर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मुश्किल नहीं है, इसको करने की आपकी पूरी एबिलिटी है और ये जरूरी है, क्योंकि जिंदगी बहुत अनसर्टन है। आई थिंक 2020 में एक लेडी फाइनेंस मिनिस्टर ने हमें एक शब्द सिखाया था, आत्मनिर्भर, जो बहुत हमने 2020 में इस्तेमाल किया है। आई थिंक पैसा संभालना एज अ लेडी इज अ बिग साइन ऑफ आत्मनिर्भरता, एंड आई थिंक दैट इज द वे यू हैव टू थिंक अबाउट इट। तो आप हैं एक्सपर्ट, ये बताइए आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग एक महिला को अपनानी चाहिए अलग अलग स्टेजेस लाइफ के, अलग अलग स्टेजेस में?
तो आई थिंक लाइफ के ब्रॉडली तीन स्टेजेस हो सकते हैं, और ये थोड़ा जेनेरिक है मैं, लेकिन तभी भी कहूंगी। एक तो जो यंग महिला है जिसने अभी शायद कमाना शुरू किया है, 20 22 25 साल की है, उसके लिए मैं कहूंगी आप निवेश तो शुरू करिए, आप बचत करना शुरू करिए और निवेश करना शुरू करिए, ये बहुत जरूरी है। चाहे आप कितना अमाउंट करें वो कोई मायने नहीं रखता, आप बस शुरुआत करिए, गलतियां कीजिए, सीखिए, जिससे कि 30 35 साल की उम्र तक आप में कॉन्फिडेंस आ जाए ढंग से निवेश करने का। फिर जो आता है मिड स्टेज ऑफ लाइफ में, आई थिंक इसमें यू स्टार्ट हैविंग अ फैमिली, यू हैव चिल्ड्रन, टू स्टार्ट गेटिंग लॉट मोर गोल ओरिएंटेड इन लाइफ, कि मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं, मेरे मीडियम टर्म गोल्स क्या हैं, मेरे लॉन्ग टर्म एस्पिरेशंस क्या हैं, शायद लाइबिलिटीज क्या हैं, एंड मेक फाइनेंशियल प्लानिंग अ फैमिली थिंग। आप अपने हस्बैंड या पार्टनर के साथ बैठ के, हम तो क्वार्टरली रिव्यू करते हैं मैं और मेरा हस्बैंड, प्लान योर लाइफ आउट, प्लान योर गोल्स एस्पिरेशंस एंड मैनेज योर मनी। एक बार गोल्स क्लियर होंगे तो मनी जर्नी क्लियर हो जाएगी। एंड देन आई थिंक एक थर्ड स्टेज ऑफ लाइफ जो आती है रिटायरमेंट के करीब, इन योर 50s एंड 60s, देन यू हैव टू प्लान फॉर योर सनसेट ईयर्स एंड हाउ यू विल लिव एन इंडिपेंडेंट कंफर्टेबल लाइफ उन सालों में, और कैसे जो आपने जोड़ा है शायद आप उसको वापस ले जाएंगे वाया सिस्टमेटिक विड्रॉल एक्सेट्रा। ओके सो राधिका, विमेंस डे एक दिन होता है जब हम बहुत ज्यादा इंटरनेशनल विमेंस डे पर विमेंस की बात करते हैं, आपको लगता है क्या एक दिन ही है जिसे सेलिब्रेट करना चाहिए? यार इसके ना मेरे पास दो पॉइंट व्यू हैं। वन इज दैट ऑफ कोर्स यू कांट रिकॉग्नाइज एंड टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ विमेन्स कॉन्ट्रीब्यूशन, द नीड फॉर विमेन इन वर्क प्लेसेस, ये सब बातें तो रोज होनी चाहिए, बाय दैट अकाउंट एवरी डे शुड बी विमेन्स डे। बट आई थिंक लोग मेरे से पूछते हैं ये विमेन्स डे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। व्हेन आई वाज यंगर मैं बड़ी सिनिकल थी कि यार इसकी जरूरत क्या। एज आई हैव गॉटन ओल्डर आई हैव रियलाइज प्रियंका कि अभी भी हमारे वर्क प्लेसेस में विमेन आर अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ आवर वर्क प्लेसेस, 5 6 7% हमारी इंडिया की लेबर फोर्स में विमेन्स पार्टिसिपेशन बहुत कम है। तो जब तक इक्वालिटी तक हम आते नहीं है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ डे टू फोकस ऑन दीज कॉन्वर्सेशंस एंड होपफुली इस दिन को सिर्फ this day is not only about women, it's also about men. And one of the things I've seen over the last few years, ki it's not just women who take interest in Women's Day. A lot more men in offices are also saying, "Hamare workplaces zyada diverse hone chahiye, hamari teams mein zyada ladki chahiye." Jab ye change aayega na Hindustani aadmi mein, because they are the majority, tab actually Women's Day will be a successful day. We will not need Women's Day the day you have 50% women in workforce. एब्सोल्युटली, वर्कफोर्स में स्ट्रेंथ बढ़ाने की जरूरत है, आई थिंक बहुत लेवल्स पे काम करने की जरूरत है। राधिका, यू बीन बिहाइंड भारत बॉन्ड ETF, यू नो यू वर द ड्राइविंग फोर्स एंड इसने इतना अच्छा किया, अब व्हाट्स नेक्स्ट आपके, व्हाट्स नेक्स्ट अप टू योर, यू नो आपके स्लीव में कुछ छुपा हुआ है जो बहुत जल्दी हम देखेंगे आते हुए, क्या है खास बताइए, और क्या हम उसको विमेन के फाइनेंसियल से जोड़ सकते हैं? Yeah, so glad you asked me this. एक तो आई थिंक भारत बॉन्ड ETF एक 30,000 करोड़ का प्रोग्राम हो गया है एक साल के उसमें, और हमारी एंड यू नो वेदर इट्स मेन और वुमेन, हमारी ऑब्जेक्टिव ये थी कि जो फिक्स्ड इनकम का पैसा है वो सेफ्टी वाला पैसा है। जब हम बैंक में जाते हैं तो निवेश करना बहुत आसान होता है, इतने साल की FD कर रहे हैं और इतना मिलेगा। भारत बॉन्ड ETF एक टारगेट मेच्योरिटी इंडेक्स फंड था जिसमें हमने वो अटेम्प्ट किया कि सिंपल प्रोडक्ट बनाओ, कस्टमर जिस टाइम के लिए निवेश कर रहा है उसे क्लैरिटी हो, क्या मिलेगा उसकी क्लैरिटी हो, और हमने PSU के साथ शुरू किया। इसमें PSU कंपनीज के भी बॉन्ड्स होंगे और जो अच्छी स्टेट्स हैं, जैसे सरकार बोरो करती है हमारी स्टेट के भी बॉन्ड्स होते हैं, स्टेट के भी बॉन्ड्स होंगे। तो 50% PSU कंपनीज के बॉन्ड और 50% स्टेट कंपनीज के बॉन्ड, ये 2026 का प्रोडक्ट है। तो बेसिकली लोगों के लिए जिनको 5 साल निवेश करना है, करीब 6.3 प्री एक्सपेंसेस उनकी यील्ड है, 6% पोस्ट एक्सपेंसेस वो देख सकते हैं प्री टैक्स बेसिस पे। एक बहुत साधारण सिंपल फिक्स्ड इनकम सॉल्यूशन फॉर मैन एंड वुमेन, एंड दैट इज व्हाट वी हैव डिजाइंड। सो वी होप आफ्टर द सक्सेस ऑफ भारत बॉन्ड दिस आल्सो गेट्स वेल रिसीव्ड। सो विल दिस बी गिविंग कंपटीशन टू फिक्स्ड डिपॉजिट? Yes, these products are meant to be to give you the experience like fixed deposits. I think fixed deposits की कुछ बहुत अच्छी बातें हैं, वो बहुत साधारण है। इसका advantage over fixed deposits मैं आपको बताती हूँ is इसकी taxation profile. Debt mutual fund के तौर पे इसको indexation मिलेगा, which means के
3 साल तक अगर आप निवेश करें और इसे होल्ड करें, तो 3 साल के बाद जैसे कि आपने 6% कमाया है और प्रिवेलिंग इन्फ्लेशन 4% है, 6 माइनस 4 2% पे आप 20% टैक्स देंगे, विच इज अबाउट 40 बेसिस पॉइंट्स. तो आपका पोस्ट टैक्स रिटर्न भी ऐसे प्रोडक्ट में 5.7 5.8 के अराउंड हो सकता है, जहां की ट्रेडिशनल एफडी में फॉर फुल टैक्स पेयर्स 3.8 3.9 हो सकता है. तो फिक्स डिपॉजिट का एक्सपीरियंस है, लेकिन टैक्स स्ट्रक्चर फिक्स डिपॉजिट से कहीं बेटर है. ग्रेट, आपने लिखा था कि जब आप रास्ते में चलेंगे और वो भी रास्ता जब ऊपर है तो लोग उसमें पत्थर फेंकेंगे, लेकिन आपको बस चलते जाना है, मुश्किल सफर हो तब भी चलते जाना, ये आपके पिताजी ने कही थी। तो मुझे लगता है यही संदेश मैं आपकी जुबान से सुनना चाहूंगी, आपके फादर ने आपको क्या कहा था, और यही जो है आज मुझे लगता है और भी औरतों को सुनना चाहिए। ये मेरे फादर ने मुझे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे कहा था, तो जब हम बहुत थके थे, मैंने कहा ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चढ़ना तो बड़ा मुश्किल काम है, तो ही सेड इसका नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है. ही सेड जिंदगी के बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ. ही सेड यू नो इन लाइफ इफ इट इज इन डिफिकल्ट इट वॉन्ट बी ग्रेट, एंड इफ यू आर गोइंग टू डू समथिंग ग्रेट इट विल हैव टू बी डिफिकल्ट. तो मुझे ये उनकी बात बहुत अच्छी लगी है. एंड ही सेड डिफिकल्ट जर्नीज will be great and great journeys have to be difficult. तो जब भी कोई मुश्किल आती है, इनफैक्ट इस प्रोडक्ट के लॉन्च में भी कुछ दिन पहले कुछ मुश्किल आ रही थी जिसकी उसमें मैंने ये लिखा, एंड दैट इज इट, यू लगे रहो. लगे रहो, थैंक यू सो मच राधिका, लगे रहो, ये है मैसेज राधिका गुप्ता का इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर। यस यू कैन, वो कह रही हैं आप चुनिए अपनी मंजिल और वहां तक पहुंचे, मुश्किलें तो आती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मनी नाइन।